your first you want to express and what you want to share the joy? अंडमान से आने में तो पहला तो मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए, और पहला बोल तो पहला अचीवमेंट है मेरा मुझे जी म्यूजिक की तरफ से मिला है, और क्या बोले तो मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए वैसा। लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा बताएं अपनी। हम हाँ अंडमान निकोबार आइलैंड से है हम, और भाई भाई लोग तो पहले से थे, एक्टर था भाई हमें अंडमान निकोबार एक्टर लोग थे, तो हम लोग दो सिंगर लोग भी आके, मेरा भाई भी है मेरे साथ में, उसका गाना भी 9 तारीख को आ रहा है अभी। हम लोग बैक टू बैक दो और गाना है इसका, ये सॉन्ग का भी कंटिन्यूसली में एक सॉन्ग और है जो 26 तारीख को रिलीज होगा जो हाल बुरा। पहले ये दीदार रिलीज हुआ, ये पहला दीदार रिलीज हुआ आज। तो इस गाने के बारे में बताइए किस तरह का गाना है? और ये बेसिकली लव सॉन्ग है, जिससे मतलब जैसा लव होता है उसके बाद तो लव के बाद में हार्ट ब्रोकन भी होता है, वैसा टाइप का ये पहला ही होगा शायद से जो एक सीरीज में आया है, जो कि गाना दूसरा गाना से कनेक्टेड है। आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ये लव सॉन्ग है उसके बाद में वो हार्ट ब्रोकन रहेगा, और वो उसमें स्टोरी आपको पता चल जाएगा कि वैसा देखेंगे तो अभी उसका बता देगा तो रिवील कर देगा तो फिर तो अभी तो आप लोग देखेंगे वैसे तो जी। आपने गाना लिखा भी है? गाना लिखा भी, गाना लिखा भी मैंने मैंने लिखा तो 8 महीने 9 महीने पहले लिख लिया था, आके बहुत 7-8 महीने से मुंबई में है, स्ट्रगलिंग में थोड़ा कर रहा था, तो उसके बाद में अरहान भाई मिले मेरे को, और अरहान भाई आए थे, मेरे इशाक का गाना था तो उसके लिए आए थे इशाक का गाना के लिए, तो अरहान भाई ने मेरा लिरिक्स को सुना तो अरहान भाई बोले कि हम इसको प्रोड्यूस करेगा तो आप करेंगे, तो बोला ओके करके, तो अरहान भाई बोला उसको अच्छे प्लेटफॉर्म में रिलीज करेंगे करके, तो आज जी म्यूजिक में रिलीज हुआ है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, और अंडमान इतना छोटा सा जगह से आके और सिंगर यहाँ पे तो बड़ा काम किया, तो मेरे लिए भी क्यों है, और बहुत लोग वहाँ भी मतलब प्राउड कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे। सो एज अ एक्टर ज़्यादा मज़ा आया, एज अ सिंगर काम करने को ज़्यादा मज़ा आया? एक्टिंग पहले किया था, पहले एक सॉन्ग में मैंने किया था, तो अरहान भाई खुद ही बोला, अरहान भाई बोला कि हम सिंगर हैं, हम गाना गाते थे, लिरिक्स तो लिखा हुआ है, तो अरहान भाई खुद बोला कि एक्टिंग आपका अच्छा है तो करो, तो एक्टिंग भी अच्छा लगा। मेरे साथ में खुशबू मैडम थी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, वसीम जी थे वो सपोर्ट किया, तो अच्छा लगा मेरे को, और ज़्यादातर तो मेरे को मेरा गाना ही तुम गाना के लिए है, और लिरिक्स लिखना मेरा शौक है, तो वही। वीडियो वहीं अंडमान में शूट हुआ है? नहीं नहीं, वीडियो मुंबई में लावासा, पालघर, लोनावला, ये सब जगह में शूट हुआ, ये मुंबई में हुआ, 7 महीने से मुंबई। भाई एक्टर है, अंडमान से ही है मेरे साथ में, भाई बहुत साल से यहाँ पे है, तो अंडमान से लोग एक्टर लोग थे, अभी दो दो सिंगर भी आ गए हैं यहाँ पे, तो आप लोग का साथ रहा दोबारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी जायद के लिए, उनके गाने के लिए, और क्या किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली कांग्रेचुलेशन टू जायद भाई कि दो म्यूजिक वीडियो आज उनका रिलीज हो रहा है। आई थिंक ही इज वर्किंग हार्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, लाइक आई थिंक बिफोर कोविड टाइम इनके जो ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट था उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया था, एंड टुडे ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ ब्रदरहुड बिटवीन अस एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट लाइक एंड ग्रो मच मतलब रीच हायर पीक here and I think that these two music videos will be smashed. Right. और कोई plan है collaborate करने का आप दोनों का? In future we would like to collaborate. आप singer है तो हम तो यही मांग चाहे, मेरा कॉरिक लड़की है आने वाली अंडमान की है वो भी, तो हम तो यही चाहेंगे मेरा अपने लोगों के साथ में हम ज़्यादा करें करके। तो he will be the singer. Already अभी दो और कंटिन्यूसली अब लिखने चालू किया, दो गाना और लिख के रेडी रखा है, तो ये रिलीज होने के बाद आने वाले महीने से और स्टार्ट करेगा, तो डेफिनेटली काम तो करेंगे साथ में। आपने जो गाना भी गाया, अगर दो लाइनें गुनगुना दे हमारे ऑडियंस को। थोड़ा मेरा खांसी है फिर भी, तो पहला सॉन्ग जी भर के देखो तुम्हें, बस तेरा ही दीदार करूं, तोड़ के सारी हदें मैं इतना तुझे प्यार करूं, जी भर के देखो तुम्हें। दूसरा वाला थैंक यू, वो प्यार भी करता है बुरा हाल भी करता है, क्यों बेवफाई करके तेरा धुआं भरता है, पागल कर दिया प्यार तेरे ने, मौत ही कबूल तेरा प्यार ना कबूल रे। थोड़ा खांसी है मेरे को, थोड़ा मुंह भी सूखा हुआ है, फर्स्ट टाइम है मेरा। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, हम लोग अंडमान से यहाँ के करना बोलने से बहुत मुश्किल, और भाई के साथ में करना बहुत ज्यादा मुश्किल, और हम लोग अंडमान में शोज करते हैं बहुत पहले से,
तो अभी हम लोग कुछ करने आए हैं अंडमान से यहाँ पे, देखिए इंशाल्लाह जरूर आगे बढ़े। और किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप जैद के साथ? बॉन्डिंग तो मैं बचपन से भाई के साथ, बचपन से मतलब फैमिली है, सगे भाई नहीं है पर सगे से बढ़ गए, बचपन से साथ में ही है। तो यहाँ भी आया तो इसका मम्मी मेरे को बोल दी थी हमेशा साथ में, तो साथ में अभी 9 अप्रैल को इसके बर्थडे के दिन में इसका गाना रिलीज हो रहा है, जिसमें हम ही किया है उसमें भी, तो ये गाना गाया है, मेरे से भी ज्यादा अच्छा गाता है। अच्छा, उस गाने के बारे में कुछ बताया। उस गाने को मैं नुसरत फतेह खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनको एक बार फर्स्ट ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, इसीलिए उनके लिए वो सॉन्ग लिखा था। हमने इस जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट था इसको एक म्यूजिक वीडियो के ना की तरह ना देख के ना इसको सीरीज ऑफ म्यूजिक वीडियो की तरह देखा है। एक कहानी जो हमने 2 गाने में कंप्लीट किया है, और बेसिकली बहुत अच्छा गाना है और दोनों अलग अलग पैटर्न का है, दोनों अलग अलग जोन का है, एक रोमांटिक है तो दूसरा सैड है। सो वी आर कंप्लीटिंग द होल स्टोरी इन 2 सॉन्ग्स, एंड जायद भाई ने बहुत अच्छा गाया है। जब मैंने पहली बार गाना सुना तो मैंने कहा जायद भाई को कि भाई आई लव टू डू दिस एंड लव टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट, सो इट्स माई अपॉर्चुनिटी एंड प्लेजर टू वर्क लाइक दिस। और आप भी देखिए और आपको भी शायद अच्छा लगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ऑडियंस को तो पसंद आ रहा है, अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। तो फिलहाल एक्साइटेड हूँ इस गाने का फीडबैक के लिए, और 26 को जो हमारा दूसरा गाना रिलीज हो रहा है हाल बुरा, वो स्टेपिंग स्टोन की तरह है कि इस बिगर पैकेज एंड बिगर सरप्राइज फॉर एवरीवन। जैद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए ज़्यादातर होता ये है ना कि जो सिंगर्स होते हैं वो सिंगर्स तो बहुत अच्छे होते हैं पर कई बार परफॉर्मेंस के बेस पे थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, पर इस मामले में मैं लकी था क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस में काफ़ी सपोर्ट किया भाई ने, और एक्सप्रेशंस बहुत सही दे रहे थे, और टीम बहुत अच्छी थी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि खुशबू ऑलरेडी उसने काफ़ी गाना किया है, उसकी लास्ट सॉन्ग भी काफ़ी हिट है, काका जी के साथ आया था कि लिखा है, तो उसके बाद शी इज़ ट्रेंड एक्टर एंड तो परफॉर्मेंस में तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बट इमोशनली एंड बींग अ पर्सन शी इज़ वेरी सपोर्टिंग, ऑल सर्कमस्टेंसेज में उसने सपोर्ट किया है, क्योंकि हमने बहुत लाइव लोकेशन पर शूट किए हैं, ऐसे जगह पर शूट किए हैं जहाँ पे ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, बट शी सपोर्टेड अ लॉट, तो मेरे लिए एक कंप्लीट टीम वर्क था। यू नो बींग अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इफ योर टीम इज नॉट सपोर्टिंग सो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, गाना रिलीज हुआ है और आई एम ऑल्सो फ्रॉम अंडमान, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे भाई इतने नाम कमा रहे हैं यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह आगे और बहुत नाम कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ हुआ, आगे भी बहुत कुछ होगा। थैंक यू। और क्या शुभकामनाएं होंगी इनके लिए, और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप जायद के साथ, अगर उस बारे में कुछ बताएं? शुभकामनाएं, हमेशा साथ रहेंगे। कांग्रेचुलेशन भाईजान, और हमारा बॉन्ड क्या बोलूँ मैं, हमारा बॉन्ड अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हमारा बॉन्ड शब्द नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। वेरी हैप्पी दैट मेरे भाई जायद का गाना आ रहा है। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस 10 इयर्स नाउ एंड ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पीपल आई हैव मेट इन माय लाइफ। आई एम आल्सो अ कंपोजर एंड सिंगर एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट दिस गाय इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन हिज लाइफ एंड ही इज अचीविंग द माइलस्टोन एंड आई विश हिम गुड लक एंड माय सपोर्ट विल बी ऑलवेज बी देयर विद हिम। गाने तो बहुत अच्छे हैं, गाने सुन के ही मैंने सोचा मैं करूँगी, और 2 गाने हैं, दीदार है और हाल बुरा। दीदार जो है इट्स लिटिल लव स्टोरी, और जो हाल बुरा है वो ब्रेकअप के बाद क्या होता है, मतलब इट्स लाइक अ कंप्लीट स्टोरी, जब लड़की को देखते हैं और जब लड़की के साथ ब्रेकअप होता है, तो 2 गानों में पूरी स्टोरी बताई गई है। राइट, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन सेट? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऑसम रहा है, बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हैं, काफ़ी दिन हमने शूट किया तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, जैसे हमें धूप के शॉट लेने थे तो बारिश आ गई, यू नो हमें आउटडोर करना था तो अंधेरा हो गया, तो ऐसे करके अप डाउन एक्सपीरियंस है, बट बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, और बाकी आप लोग देखोगे तो बताओगे। और जैद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एन एक्टर, क्योंकि वो सिंगर भी है और एक्टर भी है, एज ए एक्टर कैसे थे? एज ए एक्टर इज
वेरी हम्बल, वेरी टैलेंटेड. अभी तो पहला था उनका, तो स्टार्टिंग में क्या होता है जब हम लोग सब शुरुआत करते तो थोड़ा हेजिटेट होते हैं ना, तो वो भी थे, बट बहुत अच्छा किया उन्होंने. मतलब फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग तो आई एम श्योर हम सबसे ही अच्छा किया है. एज अ एक्टर क्या टिप्स दी आपने उन्हें, अगर उस बारे में कुछ बताया जब आप लोग पहली बार मिले थे? टिप्स तो मैंने तो कुछ ऐसे दी नहीं. ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या करना है, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान जब खुद गाना बनाता है ना तो वो दिमाग में इमेजिन कर लेता है कि मुझे ऐसा चाहिए ये करना है. तो उनके लिए तो और थोड़ा इजी रहा ना, क्योंकि खुद एक्ट करना और खुद सोचना, खुद लिखना गाने को, तो वो इजी था उनके लिए, तो बताने की जरूरत पड़ी नहीं. अगर आप लोगों को हमारा गाना अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, और मेरी इंस्टा आईडी एम खुशबू खाना मुझे टैग कीजिए, मैं पक्का रिपोस्ट करूंगी और सबसे रिपोस्ट कराऊंगी. और बहुत 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 सारा प्यार चाहिए आप लोगों से, जैसे अभी तक आप लोग देते आए. थैंक यू, थैंक यू सो मच. मैम सॉन्ग देखा है जैद भाई ने, बहुत कमाल का गाया है, तो ढेर सारी दुआएं जैद भाई के साथ, पूरी टीम के साथ, और खुशबू तो हमेशा की तरह खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे. थैंक यू. सो ओवरऑल पूरा गाना बहुत अच्छा है, पूरी टीम के लिए ढेर सारी दुआएं. और ऑडियंस प्लीज देखिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके अपने दिल की जितनी भी प्यारी प्यारी सी बातें लिख दीजिए. मैंने जस्ट अभी देखा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था, मैंने सुना था ये रफ जब गाना था तो मैंने सुना था, उस वक्त मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्यारी, मतलब इतना अच्छा सॉन्ग निकल के आएगा. और डायरेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है, काफ़ी खूबसूरती से इसको पेश किया है, इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है, और बतौर एक्टर भी इन्होंने अच्छा काम किया है. और खुशबू को स्क्रीन पे देख के खुशी हुई. पहले देखते ही रहा हूँ, हमेशा देखता हूँ, बट आज और भी अच्छा लगा इस गाने में. इन्होंने अपना 100% दिया है, तो मैं चाहूँगा कि लोग इसको देखें, इस गाने में अपना प्यार बरसाएं, जितना हो सके इनको दुआएं दें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें. थैंक यू वेरी मच. हमेशा से जाहिद का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि मैं कभी जाहिद के घर पे जाना होता है और उस वक्त मुझे जब सौभाग्य प्राप्त होता है जाहिद को लाइव सुनने का, द बेस ऑफ द वॉइस, यू नो, लाइक मैं हमेशा जाहिद से ये कहता हूँ दैट कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज वन डे ही इज गोइंग टू बी सेंसेशन ऑफ बॉलीवुड. जो आवाज़ है उसमें बहुत बेस है, दम है आवाज़ में, और वीडियो तो बहरहाल अच्छा है, मगर मैं ज़्यादा जो फ़ैन हूँ वो जाहिद की आवाज़ का हूँ. गाना बहुत बढ़िया है और गाने में केमिस्ट्री, खुशबू और इनकी आपने देखी होगी, बहुत बढ़िया लगी मुझे देख के. माई बेस्ट विशेज़ रोज़ भाई.